दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं चांप। हमारा चांप बनाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है क्योंकि आप देख रहे हो बिल्कुल देसी की चांप और मेरे संग। तो हम आपको सबसे अलग और यूनिक स्टाइल से आज चांप बनाना सिखाएंगे, जैसे कि बाकी जो फ्राई करते हैं उस तरह से नहीं, थोड़ा सा अलग। सबसे पहले हम जितनी भी हमारी चांप है इसको हम मैरिनेट करके रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बाकी का प्रोसीजर है, बहुत ही जरूरी प्रोसीजर है दोस्तों। अगर इसको ये नहीं करिएगा तो आपकी चांप में वो जो टेस्टीपन और जायका है वो नहीं आएगा। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक पक्का देखिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम चांप लेंगे। ये दोस्तों चांप की विधि जो बनाने की है ये हमारी दूसरी वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हमने चांप घर पे किस तरह से बनाई है, क्योंकि हम अवॉइड कर रहे हैं लॉकडाउन में बाहर का फूड लेने के लिए, ठीक है। अब बनाने जा रहे हैं हम चांप। चांप सबसे पहले हमने चांप ले ली है, एक बोल ले लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे इस चांप पर डाल देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम चांप के सामने से तीनों को अलग कर लेंगे, थोड़ा सा पकड़ के तीनों को अलग कर लेंगे और इसको काट लेंगे। दोस्तों ये घर पे बनाई गई चांप है, आजकल लॉकडाउन में बाहर का खाना आप अवॉइड कीजिए जितना भी हो सके। अब हम दोस्तों सबसे पहले इसको कट कर लेंगे। काटने से क्या होगा कि हमारा जो भी हम मैरिनेट करेंगे उसमें अंदर तक फ्लेवर्स चले जाएंगे, तो हम सभी को अच्छे ढंग से काट लेते हैं। इसी तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में इसको, ज़्यादा छोटा नहीं कर रहे हैं, मतलब कि 2-3 पीसेस में हम काट रहे हैं। देखिए दोस्तों इनकी कटिंग करके हमने रख दिया। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक कटोरी दही लेंगे और दही थोड़ा सा, दोस्तों हमने ना दही खट्टा दही लिया, थोड़ा सा खट्टा, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब काली मिर्च लेंगे एक स्पून, देसी स्टाइल है। नमक ले रहे हैं दोस्तों, नमक अपने स्वाद अनुसार। थोड़ा सा चिकन मसाला लिया, फिश मसाला, सौंफ पाउडर और गरम मसाला लिया। अब हम इसमें 3-4 चम्मच मैदा डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 3-4 टेबल स्पून डालेंगे, बड़ा चम्मच नहीं, टेबल स्पून। अब हम इसको अच्छी तरह से हाथों से मैरिनेट करने लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। जितने भी चीज़ें हैं अच्छे ढंग से मिक्स होनी चाहिए, तभी हमने हाथों का यूज किया है हर एक किसी पे प्रॉपर। अब हम इसको 30 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे रिंग रैक लगा के। अब इसको अच्छी तरह से हमने से रैप कर दिया। अब इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रखते हैं, बाकी बिटवीन जो हमारे चीज़ें हैं हम तब तक वो तैयार कर लेते हैं। दोस्तों तीन आधे घंटे के लिए हमने अपनी चांप को रख दिया। इन बिटवीन हमने क्या किया है, प्याज 3 बड़े बड़े प्याज चॉप करके उनको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते, और हमने 3 बड़े बड़े टमाटो काट लिए, ठीक है। अब इसको हमने आराम से मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से भून लेना है जब तक इनका कलर, और उसके बाद हमने इसको चॉप करो। उसके बाद जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, तो जैसे आप मेरी सभी वीडियो में देखते हो, तो हमने इसको क्या करेंगे, ग्राइंड कर देंगे। चांप बनेगी आज
डिफरेंट स्टाइल में। देखिए दोस्तों, प्याज हो चुके हैं हमारे, लगभग थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ही हम इसी में टमाटर डाल देंगे। देखिए दोस्तों, अभी हमने टमाटर डाल चुके हैं। टमाटर डालने के बाद हम थोड़ा सा हल्का हिला देंगे और एक पिंच हम नमक डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी चाप में नमक डाला हुआ। अपने स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह भून लें। तो दोस्तों, हम इसी में थोड़ी सी हल्दी डाल दें क्योंकि देसी है, तो देसी की तरह बिना हल्दी के पूरी नहीं होती रसोई। तो हम थोड़ी सी हल्दी भी भून लेंगे क्योंकि अगर बाद में हल्दी डाली जाए तो वो कच्ची रह जाएगी। तो हम कभी कभी हल्दी को डाल देंगे। लहसुन डालेंगे और इसको लहसुन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ में हमने इसमें ले लिया बादाम का चूरा पीस लिए, और ये 10 से 12 बादाम हमने डाले हुए हैं। और हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे थोड़ी देर तक हिला के। दोस्तों, ये हेल्दीनेस बढ़िया बनेगी, फ्लेवर अच्छा आएंगे, बहुत हेल्थी डिश बनेगी। देखो हमारी ये पक चुके हैं। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, गैस से उतार लेते हैं। अब दोस्तों, हमने इसमें फेनुग्रीक लीव्स ऐड किए हैं कस्तूरी मेथी, मेरी फेवरेट से जो डिश है, उसका जो स्वाद है वो और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका थोड़ी देर इसको पका के ठंडा कर लेते हैं। देखिए हम इसको गैस को बंद करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों, हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। अब हमने इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। पहले एक हल्का सा पुश करेंगे, एक मिनट तक चलाएंगे इसको। देखिए दोस्तों, ग्राइंड करने के बाद ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको वापस कढ़ाई में पलट देंगे। देखिए दोस्तों, आधा घंटा नियर अबाउट हो चुका है। हमारा करीम मसाला भी रेडी है और हमने गैस पे शैलो फ्राई करेंगे। हल्का हल्का गैस ऑन कर लिया, इस पर शैलो फ्राई। देखिए हमारा चाप बिल्कुल तैयार है पकने को। देखिए दोस्तों, चाप तैयार हो चुकी है। हम इसको निकाल लेंगे, ज़्यादा पकाना नहीं है हमें इसको, ठीक है। अब एक एक करके इसको निकाल देते हैं। पक के बिल्कुल रेडी है। देखिए दोस्तों, हमारी चाप रेडी हो चुकी है और ये अच्छी तरह से देखिए पक चुकी है, ठीक है। आप इसको, मैंने आपको बताया था 3 तारीख को मैं आपको खिला सकता हूँ चाप। ये आप ऐसे भी खा सकते हो स्नैक्स के साथ शाम को। अभी हम यही ग्रेवी में डाल रहे हैं और इसी में हम थोड़ा सा तंदूरी टच देने लग रहे हैं। बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, हमने जैसे हम चिकन के लिए बटर चिकन बनाते हैं, वैसे हम आज बटर ग्रेवी चाप बना रहे हैं।
वो ऐड कर लें और थोड़ी देर तक पकाइएगा। हल्का हल्का मिक्स कर लेते हैं, देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब हम इसको मीडियम आंच पे पकाएंगे, हल्का सा 10 से 10 मिनट के लिए, जब तक ये इसमें अच्छी तरह से रस्ट ना जाए। देखिए तो सब हम इसको इस तरह से तोड़ देंगे। अगर आपको थोड़ा सा अगर लेना है तो आप इसमें दही डाल सकते हो, थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो 10 मिनट में हमारी चाप पानी को तैयार हो। देखिए तंदूरी फ्लेवर के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले कोयले को गर्म किया हुआ है, साथ में हमने मक्खन को या घी जो भी होगा आपके पास रख लिया। अब हम इसको अच्छी तरह से बीच में रख लेंगे, थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे और बंद कर दिया। हमने ऊपर से थोड़ा सा देखो आटा भी लगा दिया क्योंकि इसमें से भाप बाहर नहीं आएगी। अब इसको 2-4 से 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, जब तक अच्छी तरह से धुनी लग नहीं जाए। देखिए हमारी धुनी लग चुकी है, जबरदस्त फ्रेगनेंस आ रही है, बिल्कुल तंदूरी फ्लेवर। अब हम इसको निकाल देंगे और सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए आटा बड़ी बढ़िया तरीके से लग चुका है, थोड़ा सा हमने और आज नान आपको तवे पे बनाना सिखाएंगे, इस तरह से आपके नान बनेंगे तवे पे। सबसे पहले हम आलू रखेंगे, इसको बंद कर लीजिए चारों साइड से अच्छे ढंग से। आज तंदूर का यूज नहीं कर रहे हैं, तवे का यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा दबा देना। हमारे नान बन चुके हैं खाने के लिए बिल्कुल तैयार, थोड़ा सा हमने चीज़ स्प्रेड डाला हुआ है, बटर चिकन खाया होगा, बड़ी बड़ी रेसिपी खाएगी। ये मेरी रेसिपी हमेशा ही यूनिक होती है, देखिए क्या टेस्ट आ रहा था, मज़ेदार। रेस्टोरेंट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नई रेसिपी है, यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी देखने को। प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए।
और अपने सुझाव दीजिए आगे नेक्स्ट वीडियो में कितने बनाते हैं। धन्यवाद।